नमस्कार, हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पूजा। आज सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या की पूजा विधि विधान अनुसार करने के लिए सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, उसके बाद पूजा की तैयारी के लिए थाली लगा ले। सबसे पहले ज़रूरी होता है एक गंगा जल, एक लोटा। उसके बाद हमें पूजन में जो भी प्रसाद हमें समर्पित करना है रख लेंगे हम। इसके बाद चुनरी, रौली, मौली। उसके बाद पूजन की सामग्री में हमारे पास जो भी चीज़ें होती है उसके अनुसार हम पूजन में लग कर हम पूजन संपन्न करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी, आप सभी मेरी पूजन की पूजा की तैयारी, थाली तैयार हो चुकी है। पूजा की तैयारी हो चुकी है। पूजन के लिए अब हम चलेंगे पीपल के वृक्ष के नीचे। मान्यता है कि आज के दिन पीपल के वृक्ष के 108 फेरे लगाने चाहिए। ज़रूरी है कि हम अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजन करें। 108 फेरे नहीं लगा सकते तो हम 7, 11, 21, 51 इस तरह से फेरे हम लगा सकते हैं। तो विधि विधान अनुसार पूजा करने से भगवान की हम पे कृपा बनी रहती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हमारे पितृ भी खुश होते हैं। तो सबसे पहले तो हम पूजन के लिए थाली तैयार करेंगे और उसके बाद 108 फेरे भी लेंगे और उसके बाद फिर हम पूजन में जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है उसको समर्पित करेंगे। तो पीपल के वृक्ष की पूजा करने के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो चलिए सभी, आप सभी मेरे साथ आज की पूजा में। पूजा की थाली तैयार कर ली गई है और अब मैं जाने वाली हूँ पूजा में। चलिए आप सभी। पूजा के लिए तैयार हो चुकी हूँ मैं और अब मैं जाऊँगी पूजा में। तैयार हो चुकी हूँ, पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ पूजा में चलने के लिए। तो आप सभी भी चलिए मेरे साथ। सबसे पहले तो भगवान जी को गंगा जल समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु के नाम से, भगवान शंकर के नाम से पीपल के वृक्ष की पूजन करेंगे। विधि विधान अनुसार हम पूजा कर लेंगे। सभी कुछ भगवान जी को समर्पित कर देंगे जो भी हम पूजन की थाली में लेकर आए हैं। अक्षय, चंदन, रोली, प्रसाद भगवान जी को समर्पित करेंगे। तो इसी तरह से विधि विधान अनुसार हम अपनी पूजा पूरी करेंगे, संपन्न करेंगे। श्रृंगार का जो भी सामान हम लेकर आए हैं वो भी हम समर्पित कर देंगे। सभी कुछ भगवान जी को समर्पित कर दिया गया है। बस इसी तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। पूजा संपन्न होने के बाद हम 108 फेरे लेंगे। जो भी पूजा की सामग्री में हमारे पास चीज़ें हों हम भगवान को समर्पित करेंगे। पूरी श्रद्धा के साथ हम पूजन करेंगे। बस इसी तरह से अब हमने दीपक लगा लिया है, धूप प्रज्वलित कर लिया है। जितने फेरे लेंगे उतने ही हम तिलक करते जाएंगे पीपल के वृक्ष में। हो सके तो 108 फेरे कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजन करने के बाद पास में ही मंदिर है, शिव मंदिर। मैं शिव मंदिर में जाऊंगी, वहां पे भी धूप दीप करने के बाद हम अपने घर को चलेंगे।